डीवीडी ऑफ जब वी मेट इज ऑलवेज अवेलेबल. क्या इम्तियाज अली बना रहे हैं जब वी मेट 2? बननी होती तो अब तक बन गई होती यार. आई थिंक इम्तियाज हैज मूव्ड ऑन. क्या बात कर रही है, जब वी मेट 2 बन रही है? सच में कहां से पता चला तुझे? रुको, अभी सेलिब्रेशन डांस की जरूरत नहीं है. ये जो कुछ लोग हैं कहीं से एक हेडलाइन पढ़कर आ जाते हैं बातें फैलाने के लिए, उनसे प्लीज बचो. क्योंकि हम लोगों का तो काम ही है कोई ऐसी हेडलाइन लिख दो और ऐसे लोग तुरंत हल्ला मचाने लग जाएंगे. इन्हीं लोगों के लिए करते हैं हम ये सब. झूठ बोल रही है तू. बहुत सारी जगह ये बातें फ्लोट हो रही हैं कि क्या जब वी मेट 2 आने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इम्तियाज अली से एक इंटरव्यू में पूछा गया. एंड ऑल्सो क्योंकि अब बैक टू बैक इतने सारे सीक्वल्स की हर दूसरे दिन अनाउंसमेंट हो रही है, तो सबको लगा ये भी सच ही होगा. वैसे सीक्वल्स से मुझे याद आया गाइस कि ऋतिक रोशन की क्रिश 4 एंड अक्षय कुमार की हाउसफुल 5, देसी बॉयज 2, हेरा फेरी 3, नो एंट्री 2, गो गोवा गॉन 2, इश्क विश 2, इतने ढेर सारे सीक्वल्स के अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं. वैसे आप मुझे बताओ कि क्या वाकई में जब वी मेट का सीक्वल बनना चाहिए, या कोई और ऐसी आइकॉनिक फिल्म जिसका सीक्वल आप देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके बताओ. एंड क्या जब वी मेट 2 रियली में बनने वाली है, और कौन कौन सी सीक्वल्स का ताज़ा अनाउंसमेंट हुआ है, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. हाय, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट. जब वी मेट 2 बननी चाहिए या फिर नहीं, अगर कोई मुझसे पूछे तो ऑनेस्टली मैं तो कहूंगी कि नहीं. नहीं मतलब मुझे इस फिल्म से कोई दिक्कत नहीं है. एक टाइम पर मेरी भी फेवरेट फिल्म हुआ करती थी ये. मैंने भी गीत के कैरेक्टर से और बाकी लड़कियों की तरह काफी रिलेट किया है. लेकिन यार सच बताओ ना, जब से मैंने इम्तियाज अली की लव आजकल 2 देखी थी, तब से मन उठ गया. मतलब ही किल्ड इट इन लिटरल सेंस. मार दिया भाई ऑडियंस का भरोसा, उनका इस फ्रेंचाइजी के लिए प्यार सब किल हो गया. क्योंकि जब उन्होंने कार्तिक आर्यन एंड सारा अली खान को कास्ट किया था, तो लगा था वाओ फ्रेश पेयरिंग है, इम्तियाज बना रहे हैं, और वो भी सभी के फेवरेट लव आजकल का सीक्वल, मजा आ जाएगा. लेकिन उस फिल्म में सारा अली खान की एक्टिंग देखने के बाद सभी ने बस यही कहा, मुझे तंग करने लगे. एंड आई थिंक ये बात इम्तियाज अली भी अच्छे से समझते हैं. तभी उन्होंने जब वी मेट के सीक्वल पर कहा कि इफ पीपल वांट टू कंटिन्यू एंजॉयिंग द फिल्म, दे कैन वॉच द फर्स्ट वन. एंड आई गेस दैट मेक्स सेंस. क्योंकि हमने बहुत ऐसी आइकॉनिक फिल्मों के सीक्वल्स देखे हैं जिनको देखकर बस यही फील हुआ कि भाई इससे अच्छा वही पुरानी फिल्म को दोबारा देख लो, उसमें ज्यादा मजा है. खैर आई नो जो लोग जब वी मेट 2 की बात सुनकर खुश हो गए थे, उनके लिए मुझे भी सैड फील हो रहा है. बट Not to worry guys, क्रिश 4 confirm हो गई है. Yes, इसकी confirmation खुद director सिद्धार्थ आनंद ने दी है. And इसकी shooting most probably next year से शुरू भी हो जाएगी. क्योंकि अभी तो ऋतिक रोशन खुद ही War 2 की shooting में busy हैं. And सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान और सुहाना खान की किंग के साथ बिजी हैं. बाय द वे हाउसफुल 5 की भी जल्दी ही आई गेस अगस्त में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें आपको नजर आएंगे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख एंड अभिषेक बच्चन. एंड इस फिल्म के लिए बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी. एक्सपेक्टिंग रिलीज डेट शायद 6 जून 2025 है. ऑल्सो अक्षय कुमार की सीक्वल्स की तो लाइनें लगी हुई हैं फिलहाल. इस साल तो उनकी वेलकम टू द जंगल और वेलकम 3 रिलीज हो रही है, जबकि LLB 3 की शूटिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें आपको नजर आएंगे अक्षय कुमार, अरशद वारसी एंड साथ में होंगी हुमा कुरैशी. एंड बाकी इस साल टोटल मिलाकर उनकी 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं. बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बाकी एक्टर्स को अपनी फिल्म खत्म करने में एक एक साल लग जाता है, इतने में तो उनकी 6 फिल्में रिलीज और आगे की 6 फिल्में साइन हो जाती हैं. ऑल्सो बोनी कपूर की नो एंट्री 2 की भी कास्ट कुछ टाइम पहले ही अनाउंस की गई थी. नो एंट्री 2 में आपको नजर आएंगे वरुण धवन, अर्जुन कपूर एंड दिलजीत दोसांझ, और इसकी शूटिंग भी इसी साल शुरू होने वाली है. और वरुण धवन को देसी बॉयज 2 के लिए भी फाइनल कर लिया गया है, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ. तो भाई ये इतनी सारी सीक्वल्स की लाइन लगी है, कुछ इनमें से ऐसी है जिनका इंतजार सब कर रहे हैं, जैसे कि स्त्री वॉज गुड एंड पीपल आर वेटिंग फॉर स्त्री 2, भेड़िया वॉज गुड एंड पीपल आर वेटिंग फॉर भेड़िया 2, वॉर वॉज टू गुड एंड वी कांट वेट फॉर वॉर 2. पर आप किस सीक्वल का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, या फिर किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, और इन अनाउंस हुए सीक्वल्स में से कौन सा सीक्वल बनना ही नहीं चाहिए, आप मुझे कॉमेंट करके बताएं. एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. आप देख रहे थे अनकट. वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार. एंड द ऑस्कर गोज टू एनीवन बट नीतीश. आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं.
बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या दो या तीन हीरोइंस जिन पे राघव करता हो जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कैटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। आई लोगों मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है, मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे लो, वहाँ बोले ए लो। सॉरी आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो हो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसे लगा आपको? दिल की धड़कने भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। Uncut. 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 Uncut.